बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा ये कोर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है CSS, PMS, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्ज़ाम हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के या बाकी जितने पब्लिक सर्विस कमीशन हैं। तो आज हम इंग्लिश का वोकेबलरी और इसका जो सब पार्ट है पेयर ऑफ वर्ड्स, उसका लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे। तो हमारे जो इस लेसन में 10 वर्ड्स होंगे, उनके लिए पहले आप कुछ पिक्चर्स को देख लें जिनके राउंड अबाउट हम वर्ड्स को सीखेंगे, ताकि आपको आइडिया रहे कि हमारे इस लेसन में हमने क्या क्या वर्ड्स सीखने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है कैनन, CANON, यानी कि एक क्रिश्चियन पादरी जो होता है, जो कि अपनी फ्राइज़ कैथीड्रल, एक अपना उनका जो जैसे चर्च होता है उसमें अपनी ड्यूटीज निभा रहा होता है। इसकी पिक्चर को देखे तो इस तरह का वो दिखता है। यूज़ इन सेंटेंस, ही वॉज फर्स्ट अपॉइंटेड एज रेजिडेंशरी कैनन एंड ओनली बिकेम चांसलर आफ्टर सेवरल years विद us। तो एक कैनन होता है CANON, और दूसरा जो हमारा वर्ड होता है वो है CANON, कैनन। तो इसका मतलब होता है तोपखाना, जो जंग में इस्तेमाल होता है। ए लार्ज माउंटेड पीस ऑफ आर्टिलरी, समटाइम्स स्पेसिफिक, ए लार्ज गन विद अ रिलेटिवली शॉर्ट बैरल एज अ हाउडजर। इसको सेंटेंस में कैसे, इंस्टेड ऑफ 8 मशीन गन्स इट नाउ हैड 12 और 420 mm कैनन। तो ये 20 mm जो है, ये बुलेट का साइज़ होता है या जो गोले का साइज़ होता है जो ये फायर करता है। इसके बाद नेक्स्ट, ये दो वर्ड थे, एक था CANON, कैनन जो पादरी होता है, और दूसरा CANON। नेक्स्ट जो पेयर है उसमें पहला वर्ड बारबरिज्म है। बारबरिज्म देखें तो एक ये पी जुल्म की इंतहा है, कि एक देखें इस पिक्चर में जो हमें दिखाई दे रहा है, जो रॉयल्स होते हैं या जो अपर क्लास होती है, वो लोअर क्लास के राइट्स को किस तरीके से डिमोलिश किया जाता है, और वो ख़ुद कैसे इंजॉय करते हैं और सफ़र कैसे करती है नीचे के लोग। तो बार्बरिज्म क्या है, एक्सट्रीमली क्रूअल एंड अनप्लेजेंट बिहेवियर। ही विटनेस सम अपेलिंग एक्ट्स ऑफ बार्बरिज्म ड्यूरिंग द वार। बार्बरिज्म और बार्बरिटी, तो बार्बरिटी भी सेम मीनिंग तकरीबन है, बिहेवियर दैट इज़ वेरी क्रूअल और वेरी क्रूअल एक्ट। तो बार्बरिज्म जो है वो जंग के दौरान होता है, और बार्बरिटी जो होता है वो नॉर्मल भी अगर कोई ज़ालमाना रवैया या एक्शन होते हैं उसको बार्बरिटी कहते हैं। दिस बारबेरिटी मस्ट सीज। अब ये देखें, जानवरों को एक ही पिंजरे में या एक ही वो नेट में बंद किया हुआ है, तो ये एक बारबेरिटी है, एक क्रूअल एक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है पेयर का वो है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन होता है, जो एक पिक्चर्स वगैरह डिज़ाइन करता है या पेंट करता है। समवन हु पेंट्स, ड्रॉज और मेक्स स्कल्पचर। यूज़ कैसे कर सकते हैं, मोनेट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट, और ये था आर्टिस्ट। और दूसरा जो इसका वर्ड है वो है आर्टिज़न, आर्टिस्ट और आर्टिज़न। आर्टिज़न कौन होता है, जो हाथ से काम करता है, जो बर्तन वगैरह या लकड़ी के काम हाथ से करता है, उसको आर्टिज़न कहते हैं। ए पर्सन हु डज स्किल्ड वर्क विद हिज और हर हैंड्स। हैंड्स यानी कि हाथ से बना हुआ वो कोई एक स्किल का काम करता है। सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, दे वर कंसर्न अबाउट द स्किल्ड आर्टिज़न नॉट द फैक्ट्री मैसेज। तो आर्टिस्ट और आर्टिज़न, ये थे दो पेयर। अब नेक्स्ट जो पेयर है उसका है पहला वर्ड एंटिक। एंटिक मतलब क्या होता है, जो ऐसी चीज़ जो अजीब हो, फनी हो, सिली एक शो करता हो। जैसे आप इस पिक्चर में देखें तो आपको दिखाई दे रहा है, तो एक ये एक्ट जो है ये कैसा है, एक फ़नी भी है, सिल्ली भी है,
फनी भी है, फनी सिली स्ट्रेंज, इसको क्या कहते हैं, एंटिक, ANTIC, एंटिक। बट द रॉक स्टार हुज स्टेज एंटिक्स यूज टू इंक्लूड स्मैशिंग गिटार्स इज ओल्डर एंड वाइजर नाउ। नेक्स्ट जो है पेयर, उसमें एंटीक यानी कि एक जो यूनिक चीज़ होती है, ये जो कोई पुरानी चीज़ होती है जो नायाब हो चुकी थी, उसको एंटीक कहते हैं। समथिंग मेड इन एन अर्लियर पीरियड एंड कलेक्टेड एंड वैल्यूड बिकॉज इट इज़ ब्यूटिफुल रेयर ओल्ड और ऑफ हाई क्वालिटी। तो सेंटेंस में माई मदर कलेक्ट्स एंटीक्स, तो आप ये पुराने सिक्के देख लें, तो कुछ लोगों को सिक्के जमा करने का एक होता है, वो पुराने टाइम में इवन गोल्ड के सिक्के होते थे, आज वो वैल्यू भी उनकी ज़्यादा है, लेकिन साथ में वो एंटीक भी हैं, बने हुए भी प्योर हैं, तो इसलिए लोग उनको कलेक्ट भी करते हैं और एक याद दिलाते हैं किसी हिस्ट्री की, तो लोगों को ये शौक होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा पेयर है उसमें पहला वर्ड है वो इल्यूजन है, ILLUSION, ILLUSION, इल्यूजन, एन आइडिया और बिलीव विच इज़ नॉट ट्रू, यानी कि जो सच ना हो। सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ये देख लें कि एक बंदा सोचता है वो कुछ और होता है, लेकिन उसके माइंड में कुछ और चीज़ें आ रही होती हैं, तो हकायक कुछ और होते हैं और सोच कुछ और होती है, यानी कि जो बंदा सोचता है या जो इमेजिन करता है या जो गैस लगाता है या अपनी तरफ से उसने कुछ हकायक की बुनियाद पे प्रिडिक्ट करता है, लेकिन हकायक उससे बरक्स होते हैं और वो सच वाकई नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, इल्यूजन। यानी एक मुझे लगता है कि मैं अब गाड़ी को अगर 180 की स्पीड से भी दौड़ाऊँगा तो उसको कंट्रोल करूँगा, भले वो कच्चा रास्ता हो, रॉकी रोड हो, या बाइक हो, या कोई इस तरीके से, मुझे ये लगता है अपनी स्किल पे, लेकिन जब हकीकत में मैं ऐसे करूँ तो उसको ना कर सकूँ, तो ये क्या है, मेरी ये मुबहम ख्याली थी या एक खाम ख्याली थी कि मैं ये कर लूँगा, लेकिन हकीकत में वो कर नहीं सकता, यानी कि जो सोचता कुछ और है, हकीकत कुछ और होती है, एन आइडिया और बिलीव विच इज़ नॉट ट्रू। सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, ही हैड नो इल्यूजंस अबाउट हिज टैलेंट्स एज अ सिंगर। तो साथ में एल्यूजन है, ALLUSION, यानी कि एक आई के साथ है जिसके स्टार्ट में आई होता है, यानी कि वो है आइडिया जो आप सोचते हैं और हकीकत उसके खिलाफ होती है, यानी कि आप इतना एक अपने आप को ऊपर लेके जाते हैं जितना हकीकत में टैलेंट नहीं होता। तो दूसरा जो वर्ड है वो है एल्यूजन, ए के साथ शुरू हो रहा है, और इसमें ये होता है जो चीज़ क्लियर ना हो, आपको जो नज़र आने वाले वो चीज़ क्लियर ना हो, समथिंग दैट इज़ सेड और रिटन दैट इज़ intended to make you think of particular thing or person. Her novels are packed with literary allusions, यानी कि जो मुबहम ख्याली और imagination पे मबनी होती है। तो इस पिक्चर से आप देख सकते हैं कि एक जो चीज़ आपको दूसरी तरफ से सही क्लियर नजर ना आए और देखने की कोशिश करें। तो ये था आज का हमारा लेसन, उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और लर्निंग को भी कुछ मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।